तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीलुकअप लिस्टिंग में हम टोटल ऐड करेंगे। तो हमारा फॉर्मूले का सेशन चल रहा है और फॉर्मूले में हमने कई सारे कैटेगरी के फॉर्मूला किया, उसी में वीलुकअप वगैरह भी हमने किया था। तो लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ वीलुकअप लिस्टिंग किया था। वीलुकअप लिस्टिंग में क्या था कि मैं यहाँ पे जिस जोन का नाम लिखूंगा और जोन हमारे इस डेटा में कई बार रिपीटेड है, जैसे कि मैंने साउथ का दिया साउथ, तो साउथ मेरा कई बार रिपीटेड है, जितना बार रिपीट होगा उसका पूरा डेटा यहाँ दिख जाएगा। जैसे एनसीआर करूं तो एनसीआर कम है तो कम दिखेगा। तो मुझे हर एक के नीचे टोटल ऐड करना था, यहाँ पे टोटल ऐड करना था कि क्वांटिटी का टोटल आ जाए, एमआरपी का एवरेज आ जाए और अमाउंट का टोटल आ जाए। तो कैसे करें, चलिए। तो यहाँ से, क्योंकि एक तो डेटा होगा टोटल तो दूसरे नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे सिंपल सा हम कोड देंगे कि इफ ऊपर वाली वैल्यू इक्वल टू है हमारा 3 क्या है, ये 3 एनसीआर का काउंट है बी कॉलम में कि आखिर टोटल डेटा है कितना बार। तो अगर यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये इसके बराबर है, इसका मतलब है कि इसका पूरा हो चुका है हमारा टोटल। अब यहाँ पे टोटल शो होना चाहिए, ऐसे हमने यहाँ पे करके एंटर मार दिया। बाकी जो डेटा यूज हो रहा है उसको यूज होने देगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत हुआ कि हमने इसको फ्रीज नहीं किया था, हम इसको फ्रीज कर देते हैं $, जिसका शॉर्टकट F2 होता है उससे, और इसको सिलेक्ट करके हम नीचे तक ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पे आपके टोटल आ गए। अब मुझे इसी टोटल को कंपेयर में लेते हुए यहाँ पे टोटल चाहिए, तो यहाँ पे हम करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ अगर सीरियल नंबर इक्वल टू टोटल है, ऐसा हुआ तो होना चाहिए सम के साथ हमने इसको ले लिया और फिर इसको हम यहाँ पे P6 का टोटल दे देते हैं यहाँ पे F4 से। और फिर इसको भी नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पे हम इग्नोर एरर कर देते हैं और सेम फंक्शन जो है यहाँ भी लगेगा कि इफ अगर सीरियल नंबर इक्वल टू टोटल है तो सम और Q6 से Q6 और यहाँ पे हमने कर दिया F4। और नीचे की तरफ हम इग्नोर एरर और नीचे की तरफ इसको हम ड्रैग कर देते हैं और सेम, पर यहाँ पे सम नहीं, यहाँ पे एवरेज होगा क्योंकि हमने गलती कर दिया, यहाँ पे एवरेज होगा। और यहाँ भी हम सेम करते हैं कि इफ अगर a इक्वल टू टोटल है तो सम, और इसको हमने सिलेक्ट करके कर दिया और इस पे हम F4 कर देते हैं और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। हो गया। अब एनसीआर की जगह पे मैं अगर यहाँ पे अगर साउथ करूं तो यहाँ पे देखेंगे आप साउथ का डेटा और साउथ का टोटल आपके सामने दिख गया। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बस बढ़िया सर। इसमें हमने रिकॉर्डिंग, हाँ, परमिशन। तो इस वीलुकअप में हमने आपके सामने टोटलिंग ऐड कर दी। समझ में आ गया ये? जी सर। चलिए, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप अपने साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल और बताना चाहूंगा। कुछ दिन पहले हमारे पास एक डेटा आया था, चलिए उस डेटा को भी एक बार देख लेते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है वो। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें टोटल यहाँ पे हमें लेना है। हाँ, बेसिकली हमारे पास दो सेल है, बाय का और सेल का, ठीक है। बाय का आप यहाँ देखते हैं तो बाय का यहाँ पे है कि किस डेट को किस पार्टी ने किस रेट से और वगैरह वगैरह जो है यहाँ पे लिया हुआ है। और सेल भी सेम इसी तरह से है कि भाई कब कब हमारा सेल हुआ है, ठीक है। इन दोनों को उठाना था हमें यहाँ पे कि यहाँ पे मैं डेट डालू कि इस डेट से इस डेट के बीच में किस पार्टी का सेल हुआ। तो यहाँ पे इस दोनों सीट से एक एक सेल का यहाँ उठ के आ जाता था और बाय का आपका यहाँ उठ के आ जाता था। तो हमने क्या किया हुआ था, हमने आईडी बनाई हुई थी। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल करता हूं मैं यहाँ पे 4-1 1 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल दिख गया, 7 अप्रैल दिख गया आपको, एक वीक का है। तो ये हुआ क्या कि डेटा में गया और यहाँ पे सिक्वेंस बना दिया। हमने कंडीशन दे रखा है कि इफ अगर ये आपका जो है डेट और ये आपका पार्टी दोनों हमारे सीट के आगे अकॉर्डिंग है, तो मतलब कि डेट जो है इसके बिटवीन का होना चाहिए और पार्टी जो वीरेन है वो वीरेन होना चाहिए। तो एक यहाँ पे एक आईडी क्रिएट कर, यहाँ पे सामने आईडी दिख रहा है ना, आईडी क्रिएट कर तो यहाँ पे उसका टोटल आपको दिख जाएगा। चलिए तो मैं इसको एक अलग तरीके से करके दिखाता हूँ। ये हमारा 12 अप्रैल तक का डेटा है। मेरे पास डेटा है और मुझे इस डेटा को शो करना है यहाँ पर। ये नंबर हाँ, प्लीज म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है।